पेज नंबर अब पुरानी बुक का तो आठवां पेज है। मेक फैक्टर थ्री ऑफ 32760। मेक फैक्टर थ्री ऑफ 327 बात ना करें 60 तो दैट इज 32760 को एक बॉक्स में रखो और 32760 सबसे छोटे से शुरू करो 2 से 16380 तो इसके दो फैक्टर बनेंगे 82 और दूसरा कौन सा है 16380 16380 के भी दो फैक्टर पर उसको भी तोड़ो तो कैसे तोड़ेंगे 8190 सो 28190 सही है 8190 को फिर से तोड़ो 2 से तो 4095 तो 2 ये लगभग ब्रांच जैसा लग रहा है सिर्फ ट्री टाइप सो 4095 नेक्स्ट इज ओके नाउ अब इसको किससे किया जा सकता है क्या 5 से 5 से तो चला जाएगा इसे भी जाएगा चलो कोई बात नहीं इतना कोई वो नहीं है 5 8 40 5 1 5 5 9 45 तो एक लिख लें 5 एंड अदर इज 819 अभी बोल रहे 3 से चला जाएगा 3 से देखते हैं 3 2s are 6 अब 21 3 तो 3 और 27 3 2 7 3 को फिर 3 से ले जाओ 9 1 सो दैट इज 3 और दूसरा क्या हो गया 9 1 9 1 को किससे ले जाएंगे 7 7 1 is 7 और 7 3s are 21 तो इसको लिखो 7 और अब लास्ट में हम प्राइम नंबर पे आ गए क्या तो ये इसका फैक्टर 3 हो गया कभी भी आएगा फैक्टर 3 या इसको फिल इन द ब्लैंक्स करने को तो ऐसे ही आ जाए ठीक है मान लीजिए अगर आपसे कहा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग फैक्टर 3 नाउ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बॉक्स में 18 यहाँ 18 आ गया या 24 और ये कहा जा सकता है कि x ठीक है दैट इज 8 आ गया और फिर यहां y लिख देगा और 4 ठीक है और लास्ट में z और 2 और कह देगा कि फिल करो तो x की जगह क्या आएगा क्योंकि इनका इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए तो 3 लिखोगे तभी तो 3 8 24 होगा सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 अब ये y क्योंकि 2 4 8 और z देखो तो हमें ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है फिल इन ओके नाउ कम टू नई बुक है किसी के पास मेरी वाली दे दो थोड़ी देख ले इसमें है ना ओके अब जरा देखें कि ये मुझे बताओ कि फैक्टर्स ऑफ 10
कौन कौन से हो सकते हैं अग्नि, मतलब जो जो भी हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, फाइव हो सकता है और टेन भी हो सकता है। और ये मुझे बताइए कि फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है, 1, 3, 5 और 15 हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये बताओ कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वैसे 1 और 5 है, सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 और 5, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5, कॉमन फैक्टर 5 हो गया। बोलो बात समझ आ गया, इसी को HCF कहते हैं, HCF of 10, 15, it is equals to 5। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, जैसे 10 को क्या लिख दिया 2 into 5 और 15 को क्या लिख दिया 3 into 5 और फिर यहां लिखो HCF और जो ऊपर और नीचे कॉमन आ जाए वही HCF है। बोलो बात समझ में आ गई। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि ट्वेंटी फोर और 18 का HCF क्या है, रुवांशी निकालो मत, ऐसे ही बता दो। वैसे तो 2 भी है इसका फैक्टर, दोनों में आता है जिससे दोनों डिवाइड होते हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर बताओ जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, सही, उसमें निकालना क्या, बोलो बात समझ आएगी नहीं। So, क्या लिख सकते हैं कि फाइंड एच सी एफ ऑफ 24, 18, तो 18 के क्या क्या फैक्टर हुए, 18 के 1, हाँ फैक्टर्स ऑफ 18, 1, 2, 3, 6, 8, 9 नहीं चूकना नहीं है, और फैक्टर्स ऑफ 24 भी सारे बताओ, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 सही है, ये चीज हो गई। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, वैसे तो कॉमन बहुत है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बताओ, 1, 2, 3 भी आ रहा है क्या, और 6 भी आ रहा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 6, दैट इज HCF। लेकिन इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, फाइंड HCF ऑफ 24, ठीक है, 42 and 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जरा देखो 24 के प्राइम फैक्टर्स यश क्या क्या हुए, प्राइम फैक्टर्स बताओ, वन कहां से हो जाएगा, प्राइम कोई वन प्राइम थोड़ी ना होता है, 12, 6, 3 यह तो क्या हुआ 24 के प्राइम फैक्टर्स, 2, 2, 2, 3 हुआ। अच्छा 42 का एक लग बताओ प्राइम फैक्टर्स, 2 into 2 into 2 into 2 अच्छी बात नहीं कर रहे हो, बोलो 2, 3, 6 ऐसी बात नहीं, 2 into 3 सही है। सो 2 से करो, फिर अब किस से करो, और अब 7 से करो, सो 2 into 3 into 7 नाउ ईशान 18 के प्राइम फैक्टर्स बताइए, 2 into 3 सही है, 2 into 3 into 3 सो 18 के कैसे फैक्टर्स आएंगे, यार अब इनमें जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF बनेगा, सो HCF 18, 42, 24 तो जरा देखो क्या कॉमन बन रहा है, क्या ये 3 बना, इसको ऐसे करना भी पड़ेगा और ये ऐसे करना, ठीक है, तो क्या हुआ बताओ, 2 into 3
तो वैसे 6 से 3 में डिवाइड हो जाएंगे, जरा देखो 6 4 या 24, 6 7 या 42 और 6 3 या 18, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई ना? अब देखें कि सौम्या 84 और 78 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 84 और 78 12, ये ठीक बना रही, क्योंकि दोनों 13 के टेबल में आते हैं, इसीलिए 13 बताया। 12 के टेबल में तो कहां 78 आ जाएगा, 13 6 78 और 13 97, मतलब इन्होंने सब मन में कर डाला, मैंने 72। चलो ये बहुत अच्छी बात कह दी। तो हमें ये बात पता चल चुकी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। वैसे तो बहुत फैक्टर्स होते हैं, और किन्हीं भी दो नंबर का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? लो, इन्होंने बता दिया 1। बोले सबका 1 फैक्टर होता है, इसीलिए कभी पूछा नहीं जाएगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सबका पूछा जाएगा, और लोवेस्ट अगर पूछ लिया जाए सबका तो कोई सवाल करेगा, सब तो 1 लिख देंगे, है ना? नहीं तो वो मल्टीपल देखेंगे, लेकिन फैक्टर तो नहीं पूछेगा ना कभी। तो इसलिए फैक्टर कभी भी पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अब हम क्या देखेंगे कि बताओ सृष्टि मल्टीपल ऑफ 10 बताओ। अभी तक मैं फैक्टर की बात कर रहा था, 10 के बताओ मल्टीपल। 10 से शुरू करो, 10, 20, 30, 40, 50 हुआ और 60 भी हो गया। अच्छा बताओ मल्टीपल ऑफ 15 बताइए। 15, 30, 40, 45, 60, 75, 90, 100। सो मल्टीपल ऑफ 15 जरा बताएं 15, 30, 45, 60, 75, 90। वैसे ये भी चल सकता है 70, 80 और आगे भी चलता चला सकता। अच्छा अब इनके कॉमन मल्टीपल साक्षी कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हुए? 30 क्या 30 हो गए? दोनों में 30 आ रहा है, दोनों में 60 आ रहा है, दोनों में क्या और भी आ सकते हैं? तो इसलिए कॉमन मल्टीपल्स है 30, 60, 90। और जो पहला है उसी का टेबल पढ़ते चले जाओ, अपने आप ही आते चलेंगे, 30 टेबल पढ़ लो। अच्छा लेकिन हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका तो कोई अंत ही नहीं है। हम बात किसकी करेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया? यानी वो नंबर जिसमें दोनों से डिवीजन जाता हो, और वो नंबर जिससे दोनों में डिवीजन जाता हो। द नंबर विच डिवाइड्स गिवन पेयर ऑफ नंबर्स इज नोन एज, जो डिवाइड करता हो उसे क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ किसे कहेंगे? द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो क्या करे, ठीक है, गिवन ग्रुप ऑफ नंबर्स, एक से ज्यादा भी हो सकता। एग्जाम्पल क्या है कि 5 इज एचसीएफ ऑफ 10 कॉमन, और एलसीएम क्या है? द लोवेस्ट मल्टीपल लिखना इस बार, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, मल्टीप्लाई करने से जो आए क्या उसी को मल्टीपल कहते हैं? व्हाट कम्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल। द लोवेस्ट मल्टीपल, ठीक है, विच इज डिवाइडेड, वो डिवाइड नहीं करता है, वो खुद डिवाइड हो जाता है, विच इज डिवाइडेड बाय गिवन ग्रुप ऑफ नंबर्स, विच इज डिवाइडेड बाय गिवन ग्रुप ऑफ नंबर्स। अब जरा देखो 30 is LCM of 10, 15. अच्छा मान लो दो नंबर में 10 और 15 लूं, दो नंबर क्या लूं? A को 10 ले लूं और B को क्या ले लूं?
तो ए इंटू बी क्या यही एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा? चेक करो 10 इंटू 15 इनका एलसीएम क्या आया था? वो 30 बता रहे हैं। और एचसीएफ क्या आया था? तो बोलो क्या यहां भी 150 आया और यहां भी? तो क्या ये फॉर्मूला बन गया? सही है, यानी गिवन पेयर ऑफ नंबर्स के देख लो HCF तो 6 था ना। लो देखो 6 लिखना चाहो हम लिख बैठे था। वो कह रहे हैं 10 और 15 का HCF 6 आप लोग भी कर पाओ। कॉपी में देखने से पता चले लिखा नहीं तो 10 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 5 ही तो था। 5 ही तो दोनों को डिवाइड करेगा कि 6 कर देगा दोनों? बोलो 10 और 15 को कौन डिवाइड करेगा? वो तो उनको डिवाइड कर रहा 24 उसको थोड़ी ना देखना। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो HCF ये हो गया। सो A इनटू B प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। जरा देखें कि अगर मुझे दो नंबर दिए, मान लो 18 दिया है और क्या दिया है 24, तो 18 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 into 3 into 3। ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है और इसका बताओ 2 into 2 into 3। अब इसका हम क्या निकालेंगे? LCM it is equals to 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, तो 2 और 3 लिख लो और जो बच गए सबको भी लिख दो। फिर से देखो LCM निकालने का क्या तरीका है, जिसका जोड़ा बन जाए वो तो एक एक बार लिखो, 2 लिखा 3 लिखा और जो बच जाए उनको लिख दो, जिनका जोड़ा नहीं बन पाया उन सबको भी कॉलेज। अच्छा चलो आ जाओ, कहां तुम लोग जाओगे, इतनी दूर आए हो झूला झूलने, है ना? तो जिनका बन जाए उन सबको पेयर में ऊंट में बैठा दो, जो बच गए अकेले अकेले भी सवारी करा। फिर से देखो इसका, देखो इसको कौन कौन से हैं? ये देखो मान लीजिए कोई ऐसे हो 2 into 2 into 7 into 3 और 2 into 2 into 7 into 5 और 2 into 7 into 3 into 11। अगर ये कोई 3 नंबर है, हमें इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये नंबर आ जाएंगे? तो अब आपको इन नंबर्स का अभिषेक HCF बताएंगे। HCF बताओ, ये ठीक बताना है। इन्होंने 14 कैसे बताया? इन्होंने देख लिया था कि 2 का जोड़ा बनना है 7 का, ऐसे तो नहीं बताया ना 14। तो बोलो इसका HCF अभिषेक ने कैसे बताया? बोलो ये बनाया होगा और क्या बनाया होगा? तो 2 into 7, बोलो सही है। HCF कितना आया? अब हम LCM निकालें, बोलो 2 और 7 का जोड़ा बन गया। अब लोकली जोड़ा बनाओ, 3 में ना बने तो 2 में बना लो। क्यों? क्योंकि 3 का और कहीं जोड़ा बन रहा है, बोलो कहते। अच्छा तुम इससे बना लो, लोकल भी देखो क्या 2 का भी लोकल बन रहा है। समझ आई बात कि नहीं? तो बच्चों को बच्चों के साथ घुमा दो, बड़ों को बड़े के साथ और बूढ़े को कह दो अच्छा तुम भी घूम लो। पर कैसे? 3 में बने तो 3 में बनाओ, फिर देख लो अच्छा 3 में नहीं बन रहा तो 2 में बना दो और जिसका नहीं बन रहा उसको भी लिख दो। पहले 3-3 वालों को लिखो। अगर 2 में बना रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखो। हाँ, जो ग्रुप में 3 में बना इस 2 को लिखा बोलो। अब 7 3 में बना इसको लिखो। अब बोलो 2 का किसका किसका बना? 2 और 3। 2 को सिर्फ एक बार लिखो और 3 का भी बन गया तो 3 को भी सिर्फ एक बार लिखो। क्या क्या बच गए हैं? 5 और 11 2 बचे हैं। तो 5 भी लिखो और समझ में आ गई बात? सर यहाँ पे LCM में वो जोड़ा बनाने के बाद आपने वो सिंगल सिंगल वाला लिखा है, पर मान तो LCM 30 ही है सिर्फ, तो वो 30 है। तो मान लो जैसे अब यहाँ 30 है तो 10 और 15 का जीरो 10 और 15
15, ये तो मैंने अलग से लिखे, मल्टीप्लाई कर करके देख लो। अगर आप 1 and 2 या 4, 4 3 या 12 और 12 बार सकते 84, आप लिख लो जो बनता हो। मैं तो ये एक एग्जांपल बता रहा हूं, 2 2 या 4 और 4 7 या 4 5 या 20 और 20 का कर लो 40, इसका कर लो 33 और 14 तो कितना हुआ 42, 4 6 2। मतलब ऐसे नंबर में बता रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये कह रही हैं कि 10 का क्या हुआ और 15 का क्या हुआ, तो अभिषेक इसका HCF बताओ और LCM बताओ, 5 लिख दो, जो बेचारे अकेले रहे हैं उन सबको भी लिख दो, उनका जोड़ा बनी नहीं पाया तो क्या करें। तो बोलो कितना हुआ, 5 2 10 10 3 30, बोलो अर्पित समझाई बात, ऐसे सब में करेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 4 6 4 6 4 6 2 0, इसको कहते हैं फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया कि नहीं? सो फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जरा देखो कि एग्जाम्पल नंबर 2 करो, चलो देखो, बिल्कुल यही सवाल है। एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल फाइंड LCM 6 और 20 का निकालिए, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 3, और 20 का भी करो, सही है। अभिशान इसका HCF बताओ जरा, एक जोड़ा बना तो 2 लिख दिया, और LCM बताइए, देख लो 2 लिख लिया, अब किसी का तो नहीं बन रहा है, तो 2 into 2 into 3 into, इन सब को करिए, 4 6 12 25, बोलो दो आंसर समझ आई बात, कहां से नहीं समझ में आए, हम वहीं से LCM समझ रहे आ रहा है, LCM नहीं समझ आ रहा ना। LCM क्या करते हैं कि ये देखो कि LCM कैसे किया जाए, LCM होता क्या है ना कि जैसे मान लो यहां दिया गया है 24 42 और 18 है, तो जो कटता है, मान लो तीनों कट रहे हैं तो तीनों काट लिया, इसी से ये प्रेरित है। मान लो मैंने 2 से काटा, तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 12 21 और 9। अब 3 से काटो तो 3 से कितना आए बताओ, 4 7, तो अब मान लो जिनका ऐसे भी तो हो सकता था कि 3 से 2 कट जाते, नहीं हो जाता तो हम काटने देते LCM में, LCM निकालते समय क्या सब तीनों ही के कटना जरूरी है क्या, 2 भी कटते हो तो काट दो, एक अच्छा कोई नहीं कटा तो एक के लिए भी काट दो, यानी किसी तरीके से आपको कस्टमर बुलाने हैं, 3 कट रहे हैं तो सबसे अच्छा, तीनों ना कटे 2 कटे तो भी काट देते हो कि नहीं, एक भी कटे तो भी काट देते, तो वही तो LCM है। तो अब मान लीजिए हमारे पास ये था, सुनो 2 into 3 2 into 2 है, किसी चीज का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 into 2 into 3 है into 5। अच्छा अब एक दूसरा नंबर लो, इसमें था 2 into 3 into 5 into 7, और एक तीसरा नंबर है 2 into 2 into 5, बोलो सही है, हमने 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, क्या ये 2 आ गया, LCM ही समझ जाना, HCF तो आ गया ना आपको समझ, HCF में तो तीनों में बनना चाहिए। अच्छा आप बताओ क्या और तीनों में कहीं बन जाए और कोई जोड़ा, चलो 5 का बना लिया, तो 2 और 5 तो लिख देना LCM में, क्या लिख दें 2 into 5। अब बताओ अब क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 2 में ग्रुप बन रहा है, 2 का ही बना के लिख, बोलो ठीक है आप दोनों ये लो, 2 2 बन गया, तो तुम दोनों बच्चे हो इस बिस्तर पे सो जाओ।
अब ये अब थ्री थ्री है तो ये दोनों चार पाई की जाओ, थ्री आ गया। अच्छा तुम अकेले बच गए, जाओ सोफे पे लेटो, समझ आई? अब पूरा हो गया, यानी तीन का बने, एक एक बार लिख दो, दो का भी बन रहा है तो लिख दो, जैसे यहाँ करते थे, दो में होता तो क्या डिवाइड नहीं करती थी क्या? तो वही चीज है, उसी पर समझ आई बात की नहीं? अब इस चीज को हम एग्जाम्पल नंबर फोर में और अच्छे से समझेंगे, जरा देखो और बिल्कुल ठीक समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल थ्री, सो ना लेट अस सी एग्जाम्पल थ्री क्या कह रहा है। 96 और 404 को क्या पता करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले HCF पता करो और फिर LCM फार्मूले से पता करो, ऐसे बोल रहा है। कह रहा है कि LCM कैसे पता करो, HCF इंटू LCM के फार्मूले से, समझ आई? देखो एग्जाम्पल थ्री देखो, नई बुक में पुराने में बता दो इनको, एग्जाम्पल नंबर सेवन देखो, अरे थ्री है ये ना, ना अब दिख गया ना मेरे को। 96 का करो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 तो 48 2 तो 24 5 times 2 और 1 times 3 और फिर 2 से करो, फिर 2 और फिर 3 फिर 3 तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 अब 404 को करिए, सो 2 फिर 2 से करो, सही है। सो 2 into 2 into 101, अब इसका LCF निकालिए, तो LCF कितना हो जाएगा? ऐसे लिखा करो ब्रैकेट में 96, देखो बुक भी लिख रही है, जैसा बुक करे वैसा ही हमें करना चाहिए। तो 2 और 2 लिख दिया, तो 2 into 2 तो कितना आ गया LCF, 4 आ गया। अब फार्मूला क्या है, A into B is equals to HCF into A कितना है, B कितना है, HCF क्या है, और LCM तो नहीं पता ना। अभी LCM निकाल सकते थे लेकिन निकालना नहीं है, वो कह रहा है ऐसे निकालो, ठीक। तो LCM के लिए क्या करें बताओ, 96 into 404 और डिवाइडेड बाय 4 से इसको कट करो, 101 पॉइंट थोड़ी ना आएगा, है ना। अब इसका 96 1 is 96 और 96 1 is 92, कैरी लगाओगे फिर जीरो में करोगे तो 9 तो उतर आएगा ना, तो 101 में कैसे करोगे 96 1 is 96 लेकिन वो कैरी आ जाएगा और 96 1 is 9 6 9 6 LCM। बात समझ में आ गई? सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करें। अच्छा ये बताओ इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 7429 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को आ गया है कि नहीं आया अभी? आ गया, सेवन फोर टू नाइन देखो पहले क्वेश्चन का फिफ्टी पॉइंट बता रहा हूँ, 17 से करो 17 4 या कितना होता है, तो 17 4 या 68, 17 से डिवाइड कर लो, 7 4 2 9 4 2 8 420 तो कितना बचेगा, 6 2 बचा और यहाँ पर कितना आया 17 51 और फिर कितना बच गया,
सत्रह छक्का 102, सत्रह सत्तर 119, 4 3 अब 19 से कर दो 4 3 7 बोलो 19 2 सा कितना होता है 38 तो कितना बच गया और 19 3 जा 57 तो क्या 23 आ गया और फिर 23 से करो बोलो समझ में आ गया नाउ 7 4 2 9 आप लोग अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाएंगे एक्सरसाइज पूरा नहीं सिर्फ बस सेकंड थर्ड वन नहीं सर मैं तो फोर्थ और फिफ्थ भी करूंगी फर्स्ट करना तो है ही है हमारे पेपर पे करो चाहे अपने पेपर पे एक बार तो तुम्हें बुक करनी है सर हाँ एलसीएम ऐसा ही करना है देखो क्वेश्चन पढ़ो एक क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि वेरिफिकेशन है वो सर पहले शायद सुनो नॉर्मल मेथड से करना है सो हम लोग करेंगे कि पहला क्वेश्चन देखो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें बात ना करें और दूसरा कितना है करा देंगे ये देखो बोलो HCF क्या होगा 26 और 91 अवश्य लिखना है और जोड़ा बना के 13 लिख दिया और बोलो LCM क्या हुआ LCM 26 और 91 का 13 तो लिख ही दो और जो फुटकर बचे हैं उनको भी ऊंट पे चढ़ा दो तो 13 अच्छा 182 आ गया 182 या अब वो क्या कह रहा है ये पता कर लिया ये किस मेथड से पता किया ये बहुत अच्छा कह रही प्राइम फैक्टराइजेशन तुम लोग सब हिट एंड ट्रायल बोल रहे थे ये सिर्फ दिव्यांगी को ही टैलेंट भगवान ने दिया ये चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करें तो देखिए 13 आ गया हैंस वेरीफाई द रिलेशन अब क्या कह रहा है कौन सा रिलेशन वेरीफाई करना है तो HCF इनटू LCM निकालोगे HCF कितना है और 182 जरा मल्टीप्लाई करके तो देखो कितना है 13 2 जा ये करके अलग से देख लो ठीक है सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अब पहले इसको करो फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी कर देते हैं नाउ a इनटू b भी कर लो जरा तो वहां पे नंबर क्या-क्या है 26 इंटू 91 इसको भी करके देखो इसको भी करके देखो और लिख दो हैंस वेरीफाई दोनों इक्वल आने चाहिए कि नहीं ना 2366 आया ऊपर से देखो 2 3 अब इनको करो 2 3 इसका भी 2366 आ रहा तो 2366 क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो आ रहा है यही तो दो नंबर है क्या वही उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट आ रहा है तो जो उनकी संख्याओं का गुणनफल है वही उनके महत्तम समापवर्त्य और अल्पतम समापवर्त्य का गुणनफल है इसलिए सिद्ध हुआ अभी इतना लिखोगे सो अब क्या लिखोगे बताओ सो ए इंटू बी इज LCM इंटू HCF हैंस वेरीफाइड सर वो पावर वाले मेथड से नहीं करते तो पावर वाले मेथड से तो किया अब देखो हाँ अब देखो कि मान लो कि एक और मेथड बताते हैं मान लो ए हमारे पास है
ये कह रहे हैं ये टू क्यूब है और ये थ्री स्क्वायर है और ये फाइव है और बी क्या है टू टू और थ्री क्यूब और फाइव स्क्वायर है और सी क्या है टू इंटू थ्री इंटू फाइव क्यूब। तो इन्होंने कहा और सेवन भी है बोले जो अधिकतम पावर है किसी की वही लिखो। ये क्लब तो अंक अच्छा बता रहा। इन्होंने कहा एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखो टू को देख लो सब में और जो उसकी मैक्सिमम पावर है लिख दो और थ्री की जो मैक्सिमम पावर है थ्री क्यू लो और फाइव की जो मैक्सिमम पावर है मान लो मैक्सिमम यहाँ टू ही होती और सेवन ये इनका मैथ बोलो अच्छा लगा बुक में भी यही है ठीक है टू का जो मैक्सिमम पावर है क्यों लिख रहा है ये देख लो ये बहुत अच्छा इन्होंने पूछा टू लिखा और थ्री इंटू थ्री लिखा और फाइव लिखा और ये क्या बताओ सेवन तो लिखते ही है ना शायद और फाइव इंटू फाइव और यहाँ क्या है बताओ टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सेवन है वो तो सही है। अब जरा देखो तुमको चाहे न चाहे इन तीनों को घोड़ी पे चढ़ाना पड़ेगा तीनों घोड़ी चढ़े तो टू लिखा फिर बोलो अच्छा दो का जोड़ा बना लो तो ये टू बना और ये बोलो आ गई कि नहीं मैक्सिमम पावर। अच्छा थ्री को देखो एक थ्री पहले एक थ्री का बनाओ बन गया थ्री एक और जोड़ा बनाओ एक बच गया बोलो अच्छा तीन तीन बार चढ़ानी पड़ी घोड़ी की नहीं तो दैट इज ऐसा तो नहीं कर सकती हो कि कुत्ते और आदमी को एक ही बिस्तर पे सुला दो पहले सब कुत्तों से कहो चलो अब ऊंट पे चढ़ो अब आदमी चढ़ो तो ठीक है सो दैट इज थ्री इंटू थ्री हुआ समझ आया। तो थ्री को लिखना पड़ा कि नहीं मैक्सिमम बार मजबूरी थी। अब फाइव के बारे में देखो एक फाइव का तो जोड़ा बन गया और क्या अब दूसरे फाइव का भी बन गया तो वही चीज आ रही है कि नहीं जो एकलव्य ने भविष्यवाणी की थी बोलो बात सही है ऐसे ठीक जो आपका मन करे वैसे कर लो। अब जरा देखो जैसा कि सौम्य ने कहा सर थर्ड क्वेश्चन बता दीजिए तो दैट इज 336 और 54 देखो 336 एंड 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो सर 336 ये का 11 यही बता रहे हैं हम ही क्या लेना देना है अगर उनके बुक में होगा अलग अलग किताबें हैं ना वो नई किताब लेकर दैट इज 2 से किया 168 फिर 2 से करो फिर 2 से करो फिर 2 से करिए फिर 3 से करिए फिर 7 से करिए। अब देखो तो अब एकलव्य का मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये जोरदार ठीक है। अब 54 का करो तो क्या करें 27 है और फिर 3 से करो फिर 3 से करो बोलो सही है तो 2 इंटू 3 का क्यूब। अब हम अर्पिता से पूछ लें कि इसका HCF क्या हुआ HCF में जो सबसे छोटी पावर वो लिखो बहुत बड़ी बात है और LCM में सबसे बड़ी पावर इतना आसान समझा हाईएस्ट में छोटी और लोएस्ट में बड़ी करो जरा 2 into 3 बोलो बात समझ में आ गई ठीक है। और कहा जो 7 नहीं है तो 7 की पावर छोटी लिख लो अब तो सही है मान लो जोड़ीदार नहीं भी हो तब भी अपने मन से आर्टिफिशियली भी बना सकते हो तब भी वही हो जाएगा तो इसलिए सबसे छोटी ले ली कि नहीं सर ऐसे तो हम बाकी के में सबसे छोटी भी कर सकते हैं बाकी तो नहीं कर सकते ना जीरो तो नहीं कर सकते दे रखा है इसलिए नहीं है। अब ये 6 आ गया अब हम एलसीएम बताओ सौम्य एलसीएम एक सेकंड कुछ सोचना नहीं बता दीजिए आप 2 टू द पावर 4 इनटू 3 टू द पावर 3 इनटू 7 हां ये बात सही। अच्छा अब इसको करें ये 16 है ये कितना है 16 इंटू 27 इंटू 7 इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 छक्का 96 16 सत्तर 112 112 हुआ और 27 से जरा मल्टीप्लाई करो
कितना आया? 302 फोर थ्री टू एक बार देखो जरा 3024 सही 3024 आया। अब आप यहाँ लिखो, इतना कर लिए, लिखो वेरिफिकेशन। अब क्या लिखोगे? वेरिफिकेशन यानी परीक्षण। तो HCF इंटू LCM दैट इज 6 × 3024 जरा मल्टीप्लाई करो, 6×4 = 12 पसंद ना आता हो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भाई, पसंद ना पसंद की बात है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हुआ? 3×3 = 54 और जिसको मल्टीप्लाई करने की इच्छा ना हो वो अपना 1 8 4 लिख दे, और इच्छा हो तो कर भी लो, किसी का मन नहीं करता करने का, तो सिंपली लिख ले और लिख दे हैंस वेरीफाई। सबसे पहले वाला गलत किया। सो A × B ये लिखना, LCM × HCF हैंस वेरीफाई। बोलो, पूछो, पूछोगी तो बता देंगे। हाँ, ये साथ साथ भी चल सकते हो। ये देखो, एक लोग ने एक और मेथड बताया, ये देखो, ये इन्होंने बताया है MCM, ये देखो वेरिफिकेशन 24 लिखा इन्होंने 336 और इंटू 54 और यहाँ क्या लिख दिया 3024 बोलो, ये पसंद आया मेथड? ऐसे करना, ऐसे सिंपली लिखते जाओ, इक्वल आ जाता है, अलग अलग ना करो, अलग अलग ना दिखाओ, ऐसे ही दिखा दो ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 ये मेरा